हरियाणा में लोकसभा के लिए 25 मई को मतदान किया जाएगा। जी हाँ, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान किया जाएगा। और इसी के चलते जो है हम फिलहाल गुरुग्राम में मौजूद हैं और गुरुग्राम के खेड़ला गांव में मौजूद हैं, जांच रहे हैं, परख रहे हैं कि इस बार खेड़ला गांव जहां पर 5000 वोट है और ये गांव एक साथ जो है एक हाथ से हमेशा वोट डालने का, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा, एक हाथ से वोट डालने का काम जो है वो करता आता है। तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, जानते हैं कि आखिरकार इस बार खेड़ला का रुख किस तरीके से रहने वाला है और यहां पर कौन से गांव के भी, अन्य अन्य आसपास के गांव के लोग जो है वो मौजूद हो सकते हैं। क्या नाम है आपका? भरतलाल। आप इसी गाँव से? हाँ। तो इस बार का रुख जो है वो खेड़ला का कैसा रहने वाला, किसको वोट जाएगा? बीजेपी को। बीजेपी राव इंद्रजीत को? जी हाँ। खुश हैं उनसे? खुश हैं। काम किया है उन्होंने? हाँ, बहुत किया, बहुत किया। आपका क्या नाम है? मैं सतीश कुमार राघव, ग्राम घामड़ो से। अच्छा। और हमारा पूर्ण बहुमत जो है ना रविंदर जीत जी के साथ है। हाँ। और हम बीजेपी को जिताएंगे, ये हमारा पूरा पूरा कोशिश है। रविंदर जीत से खुश हैं? काम किया है उन्होंने? हाँ, घामड़ो में तो उन्होंने मेरे हिसाब से 60-70 करोड़ से भी ऊपर के काम अभी चल रहे हैं और उससे पहले भी कम से कम 120 करोड़ काम करा दिए उन्होंने। विपक्ष तो कहता है कि रविंदर जीत जो है वो काम नहीं कराते। नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो गोद लिया हुआ है, हमारा गांव तो घामड़ोद वैसे भी उन्होंने, और गांव की सारी गलियां उन्होंने पक्की करा दी हैं और अभी उन्होंने एक पंचायत घर बनवाया है, स्कूल बनवाया है, और जो खेड़ला गांव से और जो घामड़ोद गांव के लिए जो रास्ता जाता है उसका कार्य अब जो है ना प्रगति पर है, वो चला हुआ है। तो मतलब खुश हैं आप लोग, है ना? और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार जो है इस बार का रुख जो है वो यहाँ पर किस तरीके का रहने वाला है। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरबीर खटाना। कहाँ से हो आप? गांव खेड़ला। खेड़ला गांव से? तो किस तरीके का रुख जो है वो फिलहाल रहने वाला है, किसको वोट जाएगी? अभी कुछ नहीं गई जा किसी को, डामाडोल सबका, सबका डामाडोल। अभी पत्ते में मैं 17 कास्ट है। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम तो जाटा है। अच्छा, क्या इसी गांव से हो? नहीं जी, मैं तो खेती बाड़ी करी करूँ। हाँ, गाँव? हाँ गाँव मेरा भैपरा है। किस तरीके का रुख रहने वाला है इस बार? बहुत बढ़िया रुख है जी, बहुत बढ़िया, बीजेपी का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वोट राव इंद्रजीत के फेवर में? आपका वोट मोदी की वजह से दे रहे हैं। खेड़ला गांव से? खेड़ला गांव से। आपका क्या नाम? मेरा नाम दीपक है। दीपक जी इसी गांव से? जी खेड़ला गांव से। तो किस तरीके का रुख जो है वो फिलहाल खेड़ला गांव का रहने वाला? जी खेड़ला गांव में 4 वोट बीजेपी छा रही है। 5000 वोट गांव के अंदर है। आप युवा हो, युवा कहा जाता है कि देश की एक रीढ़ की हड्डी जो है वो फिलहाल है। जी बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है, और युवा जितना भी है सारा बीजेपी की तरफ है जी। लेकिन फाजिलपुरिया तो दावा कर रहे हैं कि उनकी तरफ है। ना जी कुछ ना जी, फाजिलपुरिया आया था पर उनके में इतनी भीड़ भी नहीं थी। जहाँ लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए आज से केवल 5 दिन का समय रह गया है, इन 5 दिनों में अब गुरुग्राम में एक बार फिर हवा बदलने लगी है, क्योंकि जहां चुनाव की शुरुआत में खेड़ला के लोगों ने बीजेपी से नाराजगी जाहिर की थी तो वहीं अब ये लोग एक बार फिर से बीजेपी का रुख करने लगे हैं। दरअसल इस गांव की और आसपास के गांवों की लंबे समय से एक रास्ते की समस्या। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारे बहुत सारी कमियां हैं, सड़क की कमियां बिल्कुल वाजिब कमी है। इंद्रजीत जी को वोट जाएगी नहीं जाएगी? आएगा, उसके सामने भी यही जवाब होगा हमारा। राव इंद्रजीत से भी यही कहेंगे, यही पूछेंगे, और ऐसा ही हुआ। राव इंद्रजीत गांव में आए, लोगों ने अपनी समस्या बताई, जिसके बाद राव साहब ने ये आश्वासन दिया कि आचार संहिता हटते ही सबसे पहले आपकी इसी सड़क की समस्या का निपटारा किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि हमारे पास पहले ये महकमा नहीं था, दुष्यंत चौटाला उनकी अपनी पार्टी थी, हमारे सहयोग कर रहे थे, तो 4.5 साल इनके पास ये महकमा था। अब हमारे पास बीजेपी के एक MLA के पास आ गया है, बनवारी लाल बावल से MLA हैं और PWD के मंत्री हैं। इनको मैंने कहा है जैसे ही ये आचार संहिता खत्म होती है इस रोड को फटाफट बढ़िया बनवा दें। चलो थैंक यू सर। जिसके बाद अब गांव की हवा बदल गई है और गांव खेड़ला एक बार फिर से 100% वोट करने का राव साहब को वादा कर चुका है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, राव इंद्रजीत यहां पर आए थे, लेकिन खेड़ला गांव की एक समस्या जो लंबे समय से यहां पर चलती आ रही थी, लोगों ने आवाज भी उठाई थी। सबसे पहले उसी समस्या के बारे में दिनेश जी बात करूंगी, मैं पहले भी गांव में आई हूँ, मौजूदा व्यक्ति है जतनवीर जी, खुद उन्होंने कहा था कि लंबे समय से रोड की समस्या है, 20 साल से रोड नहीं बना है, आज सामने रखी, क्या आश्वासन मिला कि बनने के बाद सांसद करेंगे काम? ये एक्चुअली समस्या क्या है चली आ रही है, लेकिन अभी क्या है वो आचार संहिता लगी हुई है। माननीय मंत्री जी हमारे गांव में आए थे संजय जी, उन्होंने भी बताया था कि ये पास हो चुका है रोड
और ये तुरंत इसके बाद आचार संहिता हटने के बाद हम तुरंत इसके बाद मैं भी पर्सनली डॉक्टर बनवारी लाल जी से जो हमारे बीएनडीआर मंत्री हैं उनसे मुलाकात करके और इससे जल्द से जल्द इसको निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। हम गांव के अंदर 5000 वोट है, 36 बिरादरी है, हर जाति जो है वो इस गाँव में पाई जाती है, सबसे बड़ा वोट बैंक आसपास के गाँव में कह सकते हैं। और क्योंकि आपके पास के पड़ोसी गाँव से विजय खटाना उठ रहे हैं तो आप दावा कर रहे हैं कि 5000 वोट जाएंगे, किस तरीके? एक्चुअली विजय खटाना जी जो बीएसपी से लड़ रहे हैं उन तो बेचारे हमारे क्या है कि उनको थोप दी गई है टिकट, वो जिलाध्यक्ष थे तो उनका कोई जनाधार नहीं है। आज हमारे इस प्रोग्राम में भी दमदमा गांव से कम 100 आदमी दल बल के साथ आए थे, तो कोई ऐसा किसी और किसी भी पार्टी का बीएसपी तो कुछ भी नहीं, किसी भी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है और 100% राष्ट्र के अंदर पूरा भारत के अंदर मोदी की लहर, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आ रहे हैं और 2047 में जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि 2047 में अमित शाह जी ने भी बोला है कि अगर मैं रहूं या ना रहूं शायद, लेकिन ये भारत देश सबसे बड़ा देश दुनिया का देश बन के रहेगा, 2047 तीसरी बार आप बना के भेजो तो ये सारा काम होएगा जी। साफ तौर पर खेड़ला पूरा समर्थन दे रहे हैं 100% हमारे गांव से, सारे हमारे गांव के मौजूद लोग खड़े हुए हैं जो आप देख भी रहे हो, सारे 100% ये हमारे योगी भाई हमारे साथी बीजेपी के बहुत नेता हैं और सब ने हमने यहां पे मेहनत कर रखी है और बहुत अच्छा वोटिंग हम परसेंटेज हम यहां से जिता के भेजेंगे, 100% वोट हम गाँव से देंगे। आपका बेटा दिनेश इस बात का दावा कर रहा है कि बिल्कुल सत प्रशीत, मतलब 5000 की 5000 वोट जो है वो राव साहब को जाने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए हमारी तो कोशिश यही है मैक्सिमम वोट बीजेपी को जाए क्योंकि देश का जो भविष्य है वो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है और नरेंद्र मोदी जी देश को जिस दिशा में ले जा रहे हैं उन 2047 ये विकसित राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, उनका बहुत बड़ा सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए हम सबको साथ रहना पड़ेगा उनके। की वोट रावेंद्र, हमारी तरफ से तो रावेंद्र जी की वोट जी को सपोर्ट कर दिया, योगी जी यहाँ पर है, योगी जी क्या कहेंगे? गांव एक तरफा जो है बात कर रहा है, प्रेम की बात कर रहा है, लेकिन समस्याएं भी आप ही लोग उठाते हैं, उस समय कहते हैं कि हम लोग जो है वो बहिष्कार करेंगे, हमारा काम नहीं करेंगे। देखो अभी जो देश में जो लहर चल रही है वो सभी को पता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरा देश मोदी में है। बाकी जो आप समस्या की बात कर रही हो, कल भी मेरी बात हुई थी राव साहब से, राव साहब का हमारे गांव में अलग ही प्रेम है क्योंकि हर बार राव साहब को ही हम वोट देते आ रहे हैं, तो राव साहब ने बताया उनकी बात हुई है तो जल्दी ही रोड जो फॉरेस्ट की उससे एनओसी नहीं मिली थी वो जल्दी ही चुनाव के बाद एनओसी मिल जाएगी और रोड का काम शुरू हो जाएगा। आप क्या कहेंगे राव साहब, आप भी बीजेपी पे वोट? हाँ जी बीजेपी के साथ, जीत के साथ, राव इंद्रजीत के साथ पहले से ही है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि खेड़ला गांव ने एक बार फिर से ये कह दिया है कि 5000 की 5000 यानी कि 100% वोट जो है वो इस बार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राव इंद्रजीत को होने वाली है। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा जब 4 जून को डब्बे खुलेंगे और ये पता चल पाएगा कि गुरुग्राम से इस बार दिल्ली की लोकसभा में कौन गुरुग्राम की जनता की आवाज उठाने वाला है। आपको क्या कुछ लगता है कि किस तरीके से और भी समीकरण बदलेंगे, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके और जान सके किस बार चुनावी हाल किस तरीके का है। धन्यवाद।